कि मेरे पास मूव इंस्ट्रक्शंस किस तरह से यूज़ होती हैं। लेट्स से ये जो के फाइव है यहाँ पर, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ, के फाइव में नहीं यूज़ करना चाह रहा कॉन्स्टेंट, मैं रजिस्टर्स यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं रख दूंगा यहाँ पे डी वन। डी के रजिस्टर्स होते हैं जो कि इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं पीएलसी में, जिसमें मेमोरी स्टोर कर सकते हैं। ये एक्स और ये जो है यहाँ पर, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, तो हमारे पास एक्स जीरो, वाई जीरो, टी जीरो, सी जीरो, टाइमर काउंटर्स, ये हमारे पास काम करते हैं जीरो और वन में, हाई और लो के अंदर। अब डेटा रजिस्टर्स क्या होते हैं, मैं रिसेट ले लेता हूँ यहाँ से। होपफुली अब समझ में आ रहा होगा। तो ये डेटा रजिस्टर्स हैं, ठीक है। डेटा रजिस्टर्स होते हैं डी ज़ीरो, डी वन, डी टू, डी थ्री, क्योंकि ये वन बिट डेटा है, वन बिट डेटा रजिस्टर्स बाइट्स के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। लेट्स से वन बाइट है, वन बाइट का मतलब ये होता है मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो ये 8 बिट्स तक का डेटा हमारे पास स्टोर करा सकते हैं जो 1 बाइट होता है, और 2 बाइट के अंदर 16 बिट आ सकती हैं, जिसको हम लोग वर्ड भी कहते हैं, डब्ल्यू आर डी वर्ड। तो फिलहाल मैं आप लोग को ये समझाना चाहूँगा कि ये डेटा रजिस्टर्स इस तरह से बाइट्स में डेटा स्टोर हमारे पास कर रहे होते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है जब हम लोग एनालॉग कर रहे होते हैं, ये डिस्क्रीट लॉजिक है जीरो रन की। एनालॉग में क्या होता है, हमारे पास 0 से 100% तक का सिग्नल होता है, लेट्स से 0 से 10 वोल्ट तक का। अभी ये हाई का मतलब क्या होता है 24 वोल्ट, लो का मतलब होता है 0 वोल्ट। तो एनालॉग के अंदर 0 से 10 वोल्ट में 0.1 का भी सिग्नल आ सकता है, 0.01 का भी आ सकता है, 0.23 का भी आ सकता है, तो ये कंटिन्यूस सिग्नल होता है। जैसे हमारे पास ये हाई या लोअर है 1 0, और एनालॉग का हमारे पास ये इस तरह से कंटिन्यूस सिग्नल आ रहा है, तो वो नेगेटिव में भी जा सकता है, पॉजिटिव में भी, तो किसी भी पॉइंट पे हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिग्नल को। तो उस डेटा के लिए, क्योंकि वो बाइट्स के अंदर होता है डेटा, तो उसको हम लोग इस तरह से स्टोर कराते हैं। फिर डेटा टाइप डिफरेंट हो सकती है हमारे पास, इंटीजर हो सकती है, इंटीजर के अंदर साइंड साइंड अनसाइंड इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है कि डेसिमल में भी आ रहा हो 0.01 इस तरह से, तो ये डेटा रजिस्टर्स होता है। अभी मैं सिंपली क्या करता हूँ कि अभी हम लोग टाइमर्स का मैं यहाँ पर ले आता हूँ, और इसकी होपफुली कुछ अर्से मुझे आदत हो जाएगी। चले मैं अभी माउस यूज कर लेता हूँ। अच्छा ठीक, तो अब काउंटर्स के अंदर या टाइमर्स के अंदर हम लोग मैं वापसी लिख लेता हूँ, टाइमर्स के अंदर हम लोग के दे रहे थे, के फाइव दे रहे थे काउंटर्स के अंदर, इधर के 100 दे रहे थे। अब ये नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर से दे रहे थे। अब जब लैडर होती है हमारे पास, ये लैडर लॉजिक है, एक दफ़ा पीएलसी के अंदर प्रोग्राम कर देते हैं, फिर उसमें हम लोग चेंजेस नहीं करते, हम लोग वो चीज़ें सेट करते हैं यहाँ पर एचएमआई से। तो एचएमआई अगली वर्कशॉप में बताऊँगा, और कोर्स में आगे भी एक्सप्लेन है। तो एचएमआई होती है ह्यूमन मशीन इंटरफेस, मशीन इंटरफेस के ह्यूमन और मशीन की इंट्रैक्शन होती है। तो टाइमर्स और काउंटर्स पर हम लोग इधर से दे रहे होते हैं, लेट्स इस कन्वेयर की स्पीड हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री में। तो मुझे बार बार मैं स्पीड यहाँ से दूँ, मैं यहाँ से स्पीड फीड कर सकता हूँ। तो अच्छा प्रोग्राम वही होता है जिसके अंदर पीएलसी और एचएमआई इस तरह से यूज़ हो रही हो कि हमें प्रोग्राम जो है इसको ना एक्सेस करने बार बार करना पड़े, बिल्कुल ना करना पड़े। तो अभी हम लोग यही डेटा रजिस्टर्स यूज़ करेंगे। अब के फाइव की जगह मैं यूज़ कर लूँगा लेट से डी ज़ीरो। तो जो डी ज़ीरो है, ये वैल्यू नॉर्मली मैं एचएमआई से दे रहा होता हूँ,
ठीक है, अभी फिलहाल मैं इधर से ही फीड कर दूंगा फोर्स वैल्यू, वरना नॉर्मली मैं एच एम आई से दे रहा होता हूँ ताकि प्रोग्राम से ना देनी पड़े। तो अब हम लोग इसको देखते हैं, मेरे पास यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आ रहा है टी सीओ, मैं दे देता हूँ, सही है टी सीओ मेरे पास आ गया यहाँ पर। अब जो मैं इंस्ट्रक्शन समझाना चाह रहा हूँ वो है मूव इंस्ट्रक्शन। मूव इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करती है कि ये मूव करती है डेटा मूवमेंट, ठीक है। तो अब मैंने, क्योंकि डी जीरो के अंदर कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी नहीं है ना, मेरे पास अभी एच एम आई है, तो मैं क्या करूंगा, एक फिक्स वैल्यू में मूव करवाऊंगा, लेट से के फाइव डी जीरो में। वो मैं किस तरह से करवाऊंगा, मैं ये इंस्ट्रक्शन दूंगा मूव के फाइव डी जीरो इस तरह से। तो इसको जरा करके चेक करते हैं, मैं यहां पर आ जाता हूं एल डी सीधा, मैं बल्कि मूव इंस्ट्रक्शन ले लेता हूं मूव के फाइव डी जीरो, इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। तो इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल ये नहीं हो रहा, यहाँ पर देखें फेल टू कंपाइल आ रहा है, रेफरेंस टू एरर यहाँ पे दे रहा है। यहाँ पर चले मैं एक एल डी आई एम जीरो की बिट ले लेता हूँ, अभी कंपाइल हो गया। तो मैंने एक जनरल बिट ले लिया यहाँ पर ताकि यहाँ पर ये एरर ना थे, और इसको मैं ऑनलाइन ले लेता हूँ। तो मेरे पास, मुझे यहाँ पर रीसेट भी लेना पड़ेगा क्योंकि वो रीसेट नहीं हुआ, काउंटर जो है ये रिटेंटिव होता है। एम वन आर एस टी सी जीरो, एक और चीज़ मैं पीएलसी से नहीं बल्कि आपको सिमुलेटर से करके दिखाता हूँ। इसको ऑनलाइन ले लेता हूं, तो अब देखिए के फाइव मैंने जो डी जीरो मूव करवाई थी वो यहां पर वैल्यू मूव हो गई है। तो जाने का मकसद है कि इस तरह से हम लोग मूव इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होते हैं और डेटा की मूवमेंट इसमें करवा रहे होते हैं। अभी automationplay.com पे जाइए और ऑनलाइन कोर्सेज कीजिए PLC और IIoT पे, जिसके ऊपर डिफरेंट फ्री और पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसके ऊपर आप कोर्सेज कर सकते हैं PLC, HMI और SCADA पे। और यहाँ पर मेरे YouTube चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए और ये फ्री लेसन्स और ट्यूटोरियल्स अवेल कीजिए।